कमला गणी आप देख रहे हैं बीमा गेस्ट, और जो कि था राजस्थानी रिएक्शन। सूबेदार मूवी का ट्रेलर रिएक्शन करने वाला हूं, उसमें जो आज मेरे तीन गेस्ट मेरे साथ होने वाले हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं। सबसे पहला नाम है निखिल लांजेकर जी का। जी हां, निखिल लांजेकर जी, आप नाम से तो समझ गए होंगे कौन है। तो वो एज अ गेस्ट इस वक्त वीडियो पर आए मेरे साथ। उससे पहले हम कर लेते हैं सूबेदार मूवी का ट्रेलर रिएक्शन, और उसके बाद उन्हें हम एज अ गेस्ट हमारे वीडियो में बुलाएंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे वीडियो में। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सूबेदार मूवी का ट्रेलर आ गया है, तो इससे बढ़िया और बात क्या चाहिए। सुबह सुबह कल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे। आप भी अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम नीचे मिल जाएगा आपको। आमच्या लाडक्या कोंडाण्यावरचे मुघलांचे निशान आमच्या डोळ्यात तिखटाप्रमाणे झोंबते। पुढच्या एका मासात जर कोंडाणा तुमच्या चरणाशी नाही वाहिला तर नाहो शिवभा नाही सांगणार। सिर्फ एक महिने में राज मी शपथ देतो तुम्हाला, इथल्या मातीचा कणन कण स्वतंत्र ठेवण्यासाठी या मालुसऱ्याच्या अंगातला रक्ताचा शेवटचा थेंब बिघडल। अजय जी, आमच्या प्रेतांच्या पायऱ्या रचायला लागल्या तरी चालतील, पर राऊ साहेबांचं पाय कोंढाण्याच्या दगडी पायठाणाला लागायलाच हवं। भाई साहब, इसमें मरने मारने की बातें तो ऐसे होती थी पहले कि मैं मर भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब चरणों में कोंढाणा किला डाल दूंगा, बैंक जाने की बातें हो रही है भाई, मरने की बातें हो रही है। आप मतलब आप सोचो कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सबने भगवान मान रखा था, भगवान थे वो सबके लिए, कि जान देना तो नॉर्मल बात है, हैं? जैसे बैंक जाके आता हूँ, एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ। गजब। किला लेने के लिए मराठे किसी भी तादाद में आ सकते हैं, 2,000, 3,000, 5,000। अहो, तुमच्या घरी मंगल कार्य का? स्वराज्य परीस मोठं मंगल कार्य कंच। अच्छा, इनके बेटे की शादी थी ना? आम्ही मावळ जर का तलवारीचं धार धार पात्र असलो तर ती तलवार तोलून धरणारी मूठ म्हणजे तुम्हा आयाबायांची ही ताकद आहे। पे पैरा नहीं लगाओगे? आने की कोशिश वही कर सकता है जिसने अपने सर पे कफन बांध रखा हो। राज आदि लगीन कोंढाण्याचे मंग राय बस। अरे भाई, ये सीन हल्दी वाला सीन तो भाई साहब, जब मैंने इसका टीजर रिएक्शन किया था, लोगों ने मेरे को अच्छे से सिखा दिया कि भंडारा क्या होता। तुमच्या सारखं सोनं कुठवर उधळायचं? आम्ही म्या गेलो तर शेकडो तानाजी भेटत्या, पर त्या समजस मार्ग दाखवाया। एक शिवाजी राज हवं ना? गण आला पण सबसे पहले तो आपको क्या फील हुआ ये ट्रेलर देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मुझे क्या फील हुआ, मैं जब ये ट्रेलर देख रहा था तो मुझे बार बार दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मैंने तानाजी क्योंकि देखी हुई है, और उसमें जिस तरह का उदय भान को दिखाया गया था, सैफ अली खान को, बहुत ही डार्क, बहुत सारे VFX। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे मराठी मूवीज़ की सबसे अच्छी बात लगती है कि VFX वो कम यूज़ करते हैं और रियल लोकेशंस पे ज़्यादा वो शूट करना प्रेफर करते हैं, जो कि एक ना मूवी को रियलिस्टिक टच देती है, तो आपको भी लगता है कि हाँ यार, हम असली देख रहे हैं, मतलब मज़ा नहीं आता वो बॉलीवुड के नकली VFX ना बॉडी पे, जैसे अक्षय कुमार की मूवीज़ में होता है, यहाँ पे ना आपको थोड़ा चमकता हुआ
मतलब ग्लिम सब कुछ दिखता है कि अच्छा समझ में आता है कि यार यार ये नीले पर्दे पर हरे पर्दे पर शूट हुई, अच्छा नहीं लगता है। खैर इसीलिए सूबेदार पर रहते हैं, सूबेदार के ट्रेलर की बात करते हैं। और अब मैं लगाने वाला हूँ कॉल निखिल जी को। अभी मैंने किया था ट्रेलर रिएक्शन सूबेदार मूवी का, ये 5वें नंबर की फिल्म है, दिग्पाल जी इसके डायरेक्टर हैं और उनके छोटे भाई निखिल लांजेकर जी अभी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर, ये मेरे साथ आज मेरे गेस्ट हैं। निखिल जी बहुत बहुत बधाई हो, नंबर 1 ट्रेंडिंग यूट्यूब पर चल रहा है सूबेदार का ट्रेलर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी मेरे साथ इतने बिजी शेड्यूल में से निकाल के आप मेरे साथ लाइव आ पाए हैं। क्या फीलिंग है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद निखिल जी, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें कि जो हमने मेहनत की वो लोग सराह रहे हैं, हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है और लोगों का अभी विश्वास जो इतने 5-4 फिल्मों के बाद बना हुआ है वो हम अभी उस पे खरे उतर रहे हैं। लोग जब कमेंट्स पढ़ रहे हैं हम तो लोगों को जो प्यार मिल रहा है तो उससे बहुत खुशी हो रही है अभी। अच्छा अपन ने बात करी थी, समहाउ आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पीछे जो पेंटिंग है, पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की है और मैंने निखिल जी से पूछा भी ये था कि क्या ये तुलजा माँ भवानी की पूजा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हाँ। पूरा ऑफिस, दिग्पाल जी का पूरा ऑफिस छत्रपति शिवाजी महाराज की पेंटिंग्स को, उनके रिसर्च को, उनकी बुक्स को, सबको समर्पित है। कभी अगर जाने का मौका मिले आपको, मैं तो जल्दी से फिंगर्स क्रॉस है कि मुझे कभी जाने का मौका मिले तो मैं वहाँ पे वो करना चाहूँगा। दिग्पाल जी तक मेरी ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा कि आज के ज़माने में, 2023 के ज़माने में जिसको हम कलयुग कहते हैं, उसमें एक फिल्मकार ऐसा आया है जो अपना, अपनी ज़िंदगी, अपना रिसर्च, अपना समय, अपना पैसा, सबसे ये जो बड़े 4 पॉइंट होते हैं किसी की भी ज़िंदगी के, अपना समय, पैसा, सब कुछ, अपनी कला, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा को समर्पित कर रहा है, उनके जैसे हिस्ट्री के चैप्टर को समर्पित कर रहा है। तो अब मुझे बताइए कि नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब पर ये ट्रेलर, क्या फीलिंग है निखिल जी? फीलिंग तो बहुत बढ़िया है, यानी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया है और सुबह जब उठ के देखा कि वो ट्रेंडिंग हो रहा है तो पूरी जो टीम है हमारी वो अभी बहुत खुशी में है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं हम भी, दर्शकों को भी ये विनती है हमारी कि वो भी ऐसा ही प्यार बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रेलर पहुंचाए और फिल्म देखने की विनती करें। थैंक यू निखिल जी, मैं जान रहा हूँ आज का टाइम, आज का दिन जो है थोड़ा सा आपके लिए बिजी होगा। आपने मुझे 5 मिनट दिए, 2 मिनट की हमारी बात हुई थी, आपने मुझे 5 मिनट दिए छोटे भाई को, ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको खम्मा गणी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, थैंक यू सो मच निखिल। ये थे निखिल लांजेकर जी मेरे साथ और आज इसी ट्रेलर पर बात करने के लिए मेरे साथ होने वाली हैं भक्ति। भक्ति बहुत दिनों से मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई हैं, मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करती हैं। अभी जब आपका फ़ोन आ रहा था पीछे तो निखिल जी मेरे साथ वीडियो कॉल पर थे, निखिल लांजेकर, और उन्हीं से अभी बात हो रही थी तो मैं पूछ रहा था कि किस तरह के रिसर्च करते हो। दिग्पाल जी का ऑफिस मैंने पीछे से देखा तो मुझे तो आज बहुत खुशी है। क्या आपने अभी तक सूबेदार का ट्रेलर देखा है? ओके, अभी वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो इस मूवी से, इस मूवी के बारे में बताओ कि इस जो ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है तानाजी मालूसरे का, इसके बारे में आप क्या जानते हो और इस मूवी से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? मूवी से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि इस जो फ्रेंचाइजी है उसको शिवराज अष्टक बोलते हैं और उसके सारे आज तक के जो भी मूवीज है सारे मैंने देखे हुए हैं। मतलब इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड भी है, उनके आई थिंक वीडियोग्राफी कैमरा फोटो BTS टीम में है शायद। अच्छा। तो हम भी एवरी मूवी जब भी रिलीज होता है हम एज सून एज पॉसिबल जब भी मतलब टाइम मिले हम जाके देखते हैं, बहुत ज्यादा पसंद है ये सारी मूवीज। मैं ज्यादा मूवीज वैसे देखती नहीं हूँ बट मुझे हिस्टोरिकल हिस्ट्री रिलेटेड रीजनल फिल्म मुझे ज्यादा पसंद है, मतलब बॉलीवुड एंड इवन हॉलीवुड से भी ज्यादा। तो ट्रेलर देखा नहीं है बट आई थिंक टीजर के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे टीजर तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। अरे आपको बिल्कुल ट्रेलर देखना चाहिए, वो ट्रेलर बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा कटा है ट्रेलर और अभी यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। भाई काय करता है तुम्हें, काय करते हो? एक्चुअली
थोड़ा पर्सनल लाइफ में थोड़ा चल रहा है अभी बिजी, तो इसलिए बहुत दिन से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो देखूंगी मैं अभी कॉल खत्म होते ही देखूंगी। बट मुझे पता है, मतलब ट्रेलर बिना देखे भी मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही ज्यादा अच्छा मूवी होगा, क्योंकि आज तक जितने मूवीज है एक भी मूवी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है कहीं भी, तो मैं मेरे एक्सपेक्टेशंस और होप्स बहुत ही ज्यादा है। पता ये एक फिल्मकार की, ये एक फिल्म मेकर की जीत है कि जब कोई बिना ट्रेलर देखे भी आपकी फिल्म के लिए बोल दे कि भैया मैं जानती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाने वाली है, जिस तरह के आपके फैन हैं, जिस तरह की आप फिल्में बना रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, मैंने निखिल जी से भी यही बात करी थी कि आपके रिसर्च पे कितना जो है डेडिकेट आपकी टीम रहती है, तो निखिल जी ने भी ये बताया कि हम फिल्म के सेट पर एक भी जो हमारा एक्शन होता है या हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बिना उसको क्रॉस चेक किए हिस्ट्री की बुक्स से और हिस्टोरियन से हम नहीं करते हैं। तो मतलब भक्ति भी जैसा अभी मेरे साथ जुड़ी हुई है, भक्ति भी यही कह रही है कि अगर किसी का एक नॉर्मल ऑडियंस का अगर ये विश्वास है किसी फिल्म मेकर पर कि भैया मैं जानती हूँ उनकी फिल्म ऐसी ही होने वाली है, वो बेंचमार्क उन्होंने सेट कर दिया है। और ट्रेलर देख के आपको भी ये लगेगा कि हाँ, जो आपकी सोच थी दिग्पाल जी को लेकर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे बाकी भी हिस्ट्री पे मूवीज बनती है और हिंदी में भी बनती है और मराठी में भी बनती है बाकी मेकर्स के द्वारा, तो जितना मैं वो भी देखती हूँ और मैंने ये भी देखी हुई जो आज तक बनी है, तो जितना हम कंपेयर करके बोल सकते ना, इनकी मूवीज जो है वो हिस्ट्री से सबसे ज्यादा नियरेस्ट या क्लोजेस्ट बोल सकते हैं, मतलब मूवी के लिए या फिर स्टोरी के लिए, एक्स्ट्रा एक्शन के लिए कोई चेंजेस वगैरह ज्यादा करते नहीं है मेजर चेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी इतना एपिक है, इतना एक्शन स्टोरी जो भी बोले उसमें कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्लाइमैक्स के हिसाब से या किसी भी हिसाब से हर एक स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, तो स्टोरी आई डोंट क्यू ओरिजिनल रखते नहीं, वो जैसी है वैसे। बिल्कुल, निखिल जी ने भी यही कहा, निखिल लांजेकर जी ने भी यही कहा कि यार हिस्ट्री में इतने ड्रामे हो रहे हैं ना, हिस्ट्री में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत ही नहीं है। भैया ओम राउत आप सुन रहे हो? नहीं, ओम राउत नहीं सुन रहा है, ओम राउत किसी की नहीं सुन रहा है। तो आज मेरे साथ मेरे वीडियो में दो गेस्ट थे, एक निखिल लांजेकर जी, एक है भक्ति जी। भक्ति जी से मैं ये महीने डेढ़ महीने से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रैकिंग पे चली गई थी, बहुत एडवेंचरस इनकी भी लाइफ रहती है। अभी आप पुणे में हो, नासिक में हो? अभी मैं पुणे में हूँ, मैं एक्चुअली पुणे में ही रहती हूँ। ये आई वर्क इन पुणे ची मुलगी मेरे बोल सकते हैं। पुणे अरे भैया पुणे नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुणे से जुड़ी है मेरे साथ भक्ति जी। ट्रेलर ज़रूर देखिएगा, लोगों को भी कहिएगा कि राजस्थानी रिएक्शन यानी कि बी माई गेस्ट का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे साथ वीडियो कॉल पर एज अ गेस्ट आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखा आपने, मैं नहीं कह रहा, ऑडियंस खुद कह देती है कि मूवी किस तरह की होने वाली है। इसी तरह आप भी देखते रहिए राजस्थानी रिएक्शन यानी कि बी माई गेस्ट। और अगर आप भी इस चैनल पर एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मेरे साथ जुड़िए और मुझे टेक्स्ट करिए, डीएम करिए या एसडीएम करिए, नहीं एसडीएम मत करिएगा, डीएम करिए और देखते रहिए राजस्थानी रिएक्शन। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, आप सभी को घणी खम्मा।